नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स और उसके फंडामेंटल्स को समझा दिया था, तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो कि 80% बिगनर्स को नहीं पता होता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप गाड़ी चलाना तो चाहते हैं लेकिन आपको गाड़ी स्टार्ट करना ही नहीं आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक्स की। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं ये समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट समझना आसान हो जाए। तो मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी 45,000 पर है और आप बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो आपने 45,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब ये कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में समझा रखा है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो ऑप्शन आपने खरीदा है उसकी प्राइस 100 रुपीज है और फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी जो प्राइस है वो एक दूसरी एसेट पे डिपेंड करती है। तो इस केस में वो एसेट बैंक निफ्टी है। तो इसका मतलब जैसे जैसे बैंक निफ्टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपने ये जो 100 रुपए में बैंक निफ्टी का 45,000 का कॉल खरीदा है वो भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो एनालिसिस है वो सही निकलता है और बैंक निफ्टी 45,000 से बढ़कर 45,100 पर चला जाता है। तो इस केस में आपने जो 100 रुपए वाला ऑप्शन खरीदा था उसकी प्राइस भी बढ़कर 200 रुपए हो जानी चाहिए थी, बट ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि प्राइस 100 रुपए बढ़ने की जगह सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ती है। और ऐसा क्यों होगा ये समझने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही मान लो कि आपने 45,000 रुपीज का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया है 100 रुपीज की प्राइस में, क्योंकि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा। आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत सही भी निकलता है और आपके बाय करने के 5 मिनट के बाद ही जो बैंक निफ्टी है उसकी प्राइस बढ़कर 45,050 रुपीज हो जाती है, यानी बैंक निफ्टी बढ़ता है। तो इस केस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगता है लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जो बैंक निफ्टी है वो वापस 45,000 पर आ जाता है। तो इस केस में जो आपके ऑप्शन की वैल्यू है वो 100 रुपीज ही होनी चाहिए थी, यानी इस केस में आपको लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसकी वैल्यू घट गई होगी और आपको अपने ट्रेड में लॉस नजर आ रहा होगा। तो इस केस में जो बैंक निफ्टी है वो वहीं का वहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने ट्रेड में लॉस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, और इसका जवाब है ऑप्शन ग्रीक्स। अब ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं इनका नाम सुनकर शायद आपको डर लग रहा हो और आपको ये भी लग रहा होगा कि यार इन्हें समझना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बट डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपने हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला लेक्चर देखा है तब भी आपको ऑप्शन ग्रीक्स बहुत आसानी से समझ आ सके, तो इसे बस ध्यान से देखते रहो। और हाँ, ये जो फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स हम आपको करा रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 5,000 रुपए है, लेकिन फिर भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। और इससे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स करवा चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर देंगे और हम आगे भी ऐसी सीरीज तभी लाएंगे जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए अब ऑप्शन ग्रीक्स को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक जरूर रखें ताकि आपके लिए समझना आसान हो और जो आपको जरूरी लगे उसके नोट्स भी साथ में बनाते रहें। तो देखो, मार्केट में जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो मेनली 5 ऑप्शन ग्रीक से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न्स देते हैं। और वो ऑप्शन ग्रीक्स हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। इसमें जो रो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको देंगे। तो सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो ऑप्शन है उसके मूवमेंट को डिसाइड करता है। तो डेल्टा को समझने के लिए मान लीजिए कि जो बैंक निफ्टी है उसकी प्राइस अभी 50,000 चल रही है। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले 45,000, अब 50,000, यहां पे हम सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आप 50,000 ही मान लो। तो मान लो कि बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा है और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो आप 50,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। यहां पर आपने कमेंट करके बताना है कि अगर बैंक निफ्टी 50,000 चल रहा है और आप 50,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो वो आप ATM बाय कर रहे हैं, ITM बाय कर रहे हैं या OTM बाय कर रहे हैं। ये हमने हमारे कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपने कमेंट भी जरूर करना है। तो आपने बैंक निफ्टी के 50,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है जिसकी जो प्राइस है वो 300 रुपीज चल रही है और उसका जो डेल्टा है वो 0.5 का है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ट्रेवल करती है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन है 50,000 का कॉल ऑप्शन, इसका जो डेल्टा है वो 0.5 का है।
तो इस केस में अगर बैंक निफ्टी 50,000 से बढ़कर 50,100 हो जाता है तो क्योंकि उसका जो डेल्टा है वो 0.5 का है, तो इस केस में आपका जो कॉल ऑप्शन होगा 50,000 का उसमें 100 मल्टीप्लाई विद 0.5 यानी 50 रुपए का गेन देखने को मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है लेकिन उसका जो कॉल ऑप्शन है वो सिर्फ 50 पॉइंट बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर उसका जो डेल्टा है वो 0.5 का है। अगर डेल्टा 0.4 का होता तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 40 पॉइंट का मूव आता, और अगर डेल्टा 0.6 का होता तो फिर बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का मूव आता। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेल्टा समझा रहा हूँ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बाकी ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कॉन्स्टेंट हैं, बट इन रियलिटी बाकी ऑप्शन ग्रीक्स के चेंज होने से भी जो ऑप्शन है उसकी प्राइस में चेंज आता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक कोर्स बना रखा है जिसमें टोटल 46 लेक्चर्स हैं, और अभी हमारे कोर्स के ऊपर आप 30% से भी ज्यादा का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो हमारे स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब आपको समझ आ गया है कि डेल्टा किस तरीके से ऑप्शन की प्राइस को अफेक्ट करता है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आता है और जो ऑप्शन आपने बाय किया है उसका जो डेल्टा है वो 0.25 का है, तो इस केस में उस पर्टिकुलर ऑप्शन में कितना चेंज आएगा ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी तो हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे जिसमें जो डेल्टा है वो 0 से 1 के बीच में मूव करता है, तो अब अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर डेल्टा 0 से 1 नहीं बल्कि 0 से -1 के बीच में मूव करता है। बट यहां पर भी डेल्टा बिल्कुल सेम ही काम करता है, लेकिन क्योंकि पुट में हम पैसे तब कमाते हैं जब मार्केट गिरता है, इसलिए यहां पर जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 से -1 के बीच में मूव करती है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा है और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी गिरेगा, तो आप बैंक निफ्टी का 50,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं जिसकी जो प्राइस है वो 400 रुपीज है और जिसका जो थीटा है वो -0.54 का है। तो इस केस में अगर मान लो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिरकर 49,800 पर आ जाता है, तो ऐसे में जो आपके ऑप्शन की वैल्यू है वो 200 मल्टीप्लाई विद 0.54 यानी 108 रुपए बढ़ेगी। तो जो पुट ऑप्शन जब आपने बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा था तब आपने 400 रुपए में खरीदा था, अब उसकी जो प्राइस है जब बैंक निफ्टी 49,800 आ चुका है वो बढ़कर 508 रुपीज हो जाएगी। और यही सेम चीज लॉस के टाइम पर भी होगी, मतलब आपने माना था कि बैंक निफ्टी गिरेगा लेकिन इसके उल्टे अगर बैंक निफ्टी बढ़ जाता है तो वहां पर भी जितना बैंक निफ्टी बढ़ा है उसको आप 0.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको डेल्टा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन ग्रीक थीटा पर। अब थीटा को समझाने से पहले मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूं जो शायद आपने सुनी होगी, और ये जो ऑप्शंस है ना उसमें बिल्कुल एक्यूरेटली काम करती है, और वो कहावत है टाइम इज मनी। तो अगर थीटा की बात करें तो ये एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जो कि टाइम डिके या फिर थीटा डिके को डिनोट करता है। आप इसे टी के नाम से याद रख सकते हैं, टी बोले तो थीटा और टी बोले तो टाइम। तो थीटा बेसिकली वो रेट है जिसके बेसिस पर ऑप्शंस पर टाइम डिके लगेगा। आप सभी जानते हैं कि जो टाइम है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो जब भी आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप जितने भी टाइम के लिए बाय करोगे आपको उस टाइम की वैल्यू सेलर को देनी पड़ती है जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है। तो यही पर डे की टाइम वैल्यू का जो रेट है ना उसको थीटा बोलते हैं। अब हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक एक्सपायरी होती है जो कि जनरली वीकली और मंथली होती है। तो जैसे जैसे एक ऑप्शन की एक्सपायरी पास आती है उसकी जो थीटा की वैल्यू है वो घटती जाती है, और जब ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं तब उसके थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया होगा, तो ये ग्रीक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे काम करता है चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो दोबारा से वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 पे चल रहा है और आपको लगता है कि यहां से बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, तो इसलिए आप 50,000 का ही बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं जिसकी जो प्राइस है वो 200 रुपीज है और उसका जो थीटा है वो 20 का है। अब इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि आपने जो 50,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है उसको आप आज सेल नहीं करते हो, उसको आप अगले दिन सेल करने जाते हो और आप वहां पर देखते हो कि बैंक निफ्टी अभी भी 50,000 पर ही है, यानी कल जब आपने इसको बाय किया था तब भी बैंक निफ्टी 50,000 पे ही था और आज जब आप इसको सेल करने जा रहे हैं तब भी बैंक निफ्टी 50,000 पे ही है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू अगले दिन 20 रुपए घटकर 180 रुपए हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि
थीटा बताता है कि एक दिन में जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो क्योंकि थीटा 20 रुपए था तो एक दिन गुजरने के बाद जो ऑप्शन की वैल्यू है वो 20 रुपए घट जाएगी। अगर मान लीजिए थीटा 30 रुपए होता तो इस केस में जो ऑप्शन की वैल्यू है वो 200 से घटकर 170 रुपए हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा था वो 30 रुपीज था। यहाँ पर भी क्लियर कर दूं कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि जो बाकी ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कांस्टेंट हैं, जबकि ऐसा जनरली नहीं होता है, वो भी चेंज होते रहते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि थीटा अगर 20 है तो फिर वो 20 ही रहेगा। हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे बढ़कर 30 या 40 हो जाए, तो ऐसे में नेक्स्ट डे जो ऑप्शन की प्राइस में चेंज आएगा वो 40 रुपए का होगा। और इवन जैसे जैसे एक ऑप्शन की एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे उसका जो थीटा है वो बढ़ता जाता है, और जिस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी होती है उस दिन थीटा बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उस दिन थीटा डिके ज्यादा होता है और ऑप्शंस की प्राइस में जो टाइम घटने की वजह से चेंज आता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं आपका एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, और वो ये है कि मैंने क्योंकि यहाँ पर आपको कहा है कि जो थीटा है वो आपको बताता है कि एक दिन में टाइम घटने की वजह से जो ऑप्शन है उसकी प्राइस में कितना चेंज आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थीटा इंट्राडे में काम नहीं करता है। आप जैसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हैं वैसे ही थीटा आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है, और वैसे ही जो ऑप्शन की वैल्यू है वो टाइम बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं यानी आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, तो इस केस में आपको थीटा पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए थीटा एक एडवांटेज की तरह काम करता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है तो ऐसे में जितने टाइम पीरियड के लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखेंगे जो ऑप्शन सेलर है उसको बेनिफिट होता रहेगा और उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे और वहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपको थीटा भी समझ आ गया होगा, तो यहाँ पर भी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 पर चल रहा है और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा, तो आप 200 रुपए की प्राइस में 50,000 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं जिसका जो थीटा है वो 30 का है। तो इस केस में आपको बताना है कि नेक्स्ट डे अगर मान लीजिए बाकी फैक्टर सेम रहते हैं और बैंक निफ्टी वहीं का वहीं रहता है तो आपका जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा और अब जाकर जो ऑप्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मतलब 200 से घटकर वो कितनी होगी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट वेगा बताने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इतनी ज्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, आपको फ्री में कोर्स दे रहे हैं, तो इन रिटर्न कम से कम आप इस वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में और इंस्टाग्राम स्टेटस में जरूर शेयर करें, और अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे तो मुझे टैग भी करना, हो सकता है कि मैं आपकी इंस्टा स्टोरी को अपने स्टेटस में शेयर कर दूं। वेगा को समझने के लिए मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर मान लो आपके पास एक फ्लैट है जिसकी प्राइस 50 लाख रुपए है, लेकिन आपके बाय करने के बाद एक न्यूज आ जाती है कि जहां पर आपका फ्लैट है उसके पास ही एक मॉल बनने वाला है, तो ऐसे में आपको पता है कि अब उसकी जो प्राइस है वो बढ़कर 80 लाख रुपए हो गई है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास जो वो 50 लाख वाला फ्लैट है क्या आप मुझे वो 50 लाख में ही सेल करोगे, तो सीधी सी बात है कि आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अब उसकी जो वैल्यू है वो 80 लाख रुपए हो चुकी है। तो सेम वेगा भी इसी तरीके से काम करता है, जैसे ही किसी कॉन्ट्रैक्ट की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी वैसे ही वेगा किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं उसकी प्राइस पर अफेक्ट करेगा। अब ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली एक एसेट जो कि इस केस में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वॉलेटिलिटी को शो करता है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के बेसिस पर वेगा ऑप्शंस में कैसे काम करता है चलिए वो भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब बहुत बार हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लिया है तो इस बार निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के 20,000 का पुट ऑप्शन बाय किया है 100 रुपए की प्राइस में, और अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट की जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 20 है और उसका जो वेगा है वो 15 है। जैसे ही किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती या घटती है वैसे ही वेगा उसकी प्राइस पर अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से हमारा मतलब उस पर्टिकुलर
एसेट की वॉलेटिलिटी से है जिसके ऊपर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो इस केस में अंडरलाइंग एसेट बैंक निफ्टी है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये बताता है कि जो बैंक निफ्टी की प्राइस है वो कितनी तेजी से बढ़ या घट सकती है। तो जितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर एसेट की जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ेगी और घटेगी, उतना ज्यादा ही वेगा उसके ऑप्शन की प्राइस पर अफेक्ट करेगा। अब ये अफेक्ट कैसे करेगा इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने निफ्टी 50 के 20,000 का पुट ऑप्शन बाय किया जिसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 20 है और इसका जो वेगा है वो 15 का है। तो अब अगर मान लो उस पर्टिकुलर एसेट की जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 20 से बढ़कर 22 हो जाती है, तो इस केस में क्योंकि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 2 पॉइंट से बड़ी है और जो वेगा है वो 15 का है, तो ऐसे में जो उस ऑप्शन की प्राइस है वो 30 रुपीज बढ़ जाएगी। और इसके उल्टे अगर मान लो कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 20 से घटकर 17 पर आ जाती है, तो इस केस में क्योंकि वेगा 15 है तो 3 × 15 यानी 45 रुपीज का जो डिक्रीज है वो आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वेगा उस पर्टिकुलर एसेट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो इसलिए किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने से पहले आपको उसका वेगा और उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। अब इनको हम कैसे चेक करते हैं और इसका एडवांटेज कैसे लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन ग्रीक गामा और रो की, जो कि वैसे तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि फिर भी ये एक लर्निंग वीडियो है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इनके बारे में दे देता हूँ। तो पहले अगर गामा की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने आपको डेल्टा के बारे में बताया था, जो कि अंडरलाइंग एसेट जैसे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में चेंज आने से उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में कितना चेंज आएगा ये हमें बताता है। तो वैसे ही गामा हमें डेल्टा में क्या चेंज आने वाला है उसके बारे में बताता है, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा एक डायनेमिक ग्रीक है यानी वो चेंज होता रहता है और हर स्ट्राइक प्राइस पर डेल्टा डिफरेंट होता है। तो अगर आप निफ्टी का 19,000 का कॉल देखेंगे तो वहां पर डेल्टा अलग होगा, 19,100 का कॉल देखेंगे तो वहां पर डेल्टा अलग होगा। तो कौन डिसाइड करता है किस प्राइस पर कितना डेल्टा चेंज होगा यही हमें गामा बताता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो निफ्टी अभी 19,000 पर चल रहा है और आपने 19,100 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया जहां पर जो डेल्टा है वो 0.3 है और जो गामा है वो 0.05 है। तो जैसे ही निफ्टी 19,000 से बढ़कर 19,100 पर जाएगा तो वहां पर जो डेल्टा है वो भी चेंज होकर 0.30 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.35 हो जाएगा। तो बेसिकली गामा आपको ये बता रहा है कि डेल्टा किस हिसाब से चेंज होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो अच्छी बात है और अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हमारे लास्ट ऑप्शन ग्रीक रो को भी समझ लेते हैं। वैसे रो मार्केट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि रो हमें बेसिकली ऑप्शन प्राइस और इंटरेस्ट रेट्स के रिलेशन को बताता है। सिंपल से समझो कि जो कॉल ऑप्शन है उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं, यानी अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो कॉल ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको हमेशा कॉल ऑप्शन में जो रो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा और वहीं जो पुट ऑप्शन है उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, इसलिए जो पुट ऑप्शन है उसमें आपको रो नेगेटिव देखने को मिलेगा। रो को बस आप इतना समझ लो कि अगर मान लो आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है तो आपका जो कॉल ऑप्शन है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, और इसके उल्टे अगर मान लो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स घटा देती है तो यहां पर आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू घट जाएगी। और अगर आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है तो क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं और वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो घट जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं तो यहां पर आपके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो रो हमें बस इतना ही बताता है और मैंने आपको बताया कि रो का इतना ज्यादा यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हमने सभी ऑप्शन ग्रीक को समझ लिया है तो यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो मैंने ऑप्शन ग्रीक समझ तो लिए हैं लेकिन इनको मैं चेक कैसे करूं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है सेंसिबल। क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद इसको यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अगर आप इन ऑप्शन ग्रीक्स को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेंसिबल की वेबसाइट में जाना होगा। यहां पर जाने के बाद आपको लॉग इन करना होगा और लॉग इन करने के बाद आपको यहां पर एडवांस टूल में ऑप्शन चेंज नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर
पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ग्रीक्स व्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको हर स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन ग्रीक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए अगर हम 19,350 की बात करें निफ्टी 50 की, तो इसका जो गामा है वो 0.003 है, इसका जो वेगा है वो 6 है, इसका थीटा -13 है और इसके साथ ही इसका जो डेल्टा है वो 0.49 का है। तो अगर आप किसी का भी ऑप्शन ग्रीक्स देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स का सेकंड लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझेंगे। अगर आप कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी थर्ड वीडियो भी आ चुकी होगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए। वहां पर हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए कि कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो आ गई है तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो भी डाल देंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस में वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम में शेयर करोगे तो मुझे टैग करना भी बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ ही अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, हमारी बुक बाय करना चाहते हैं, हमारे कंप्लीट बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।